कहाँ से आए? मैं दिल्ली से सर। दिल्ली से गाड़ी लेके? हाँ हाँ हाँ। कौन सी मशीन? ये कैमरा है, कैमरा। वैसे तो सर्दियों की शाम में सारा शहर अब थमने के इंतजार में है, लेकिन कुछ सरफरे हैं जो कुछ अलग ही करने का सोच रहे हैं, जिनके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। लेकिन पता है क्यों? क्योंकि आज जब जिंदगी में कभी पीछे पलट के देखे ना, तो वही 9 से 5 का दफ्तर, वही रोज की चाय और ट्रैफिक की मजमच के अलावा भी ना कुछ दिखना चाहिए, कुछ ऐसा जिसको जब हम याद करें ना तो अपने चेहरे पे और अपने होंठों पे स्माइल आ जाए यार, खुशी मिलेगी कुछ ऐसा किया जिसमें मजे आए। तो यार बस जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं एक ऐसे सफर में जिसका मेरे को भी पता नहीं कि अभी पूरा हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन चलते हैं यार, क्योंकि शुरू करना इम्पोर्टेंट है। और अगले 30-35 मिनट में पहुँचाते हैं आपको गुड़गांव से पुणे। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियोस को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, सो दैट हम लोगों को भी सपोर्ट मिलता रहे। यार पहली बार मैं ऐसा मैप लगाने जा रहा हूँ फ्रॉम गुड़गांव टू पुणे, 1 day 2 hours, 1432 किलोमीटर्स, बट एक्चुअल अराउंड 1500 है क्योंकि अंदर भी चलना है। मैप स्टार्ट करते हैं। 1 दिन 2 घंटे, बाप रे, बोन चिलिंग, मतलब ये देख के ना एकदम से एक्साइटमेंट आ गया। तो स्वागत है आप सभी का एक बिल्कुल फ्रेश नई सीरीज़ में, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी गुड़गांव से पुणे तक की राइड। मेरी लाइफ की अब तक की सबसे लंबी राइड है, मतलब बहुत सारी राइड लगाई मैंने, लद्दाख गया मैं, स्पीति गया, बट एक गो में नॉन स्टॉप फ्रॉम दिल्ली गुड़गांव टू पुणे, मैंने तो मतलब स्टार्ट तो कर दी है, अब कहाँ तक जा पाएंगे ये तो वीडियो में आगे पता चलेगा। बहुत ही थ्रिलिंग राइड होने वाली है, मतलब मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसी राइड मैं लगाऊंगा यार, मतलब मेरे लिए भी ये अनबिलीवेबल सी बात है। राइड की आपको थोड़ी सी डिटेल आगे चल के देते हैं। तो मेरे को वैसे 11 बजे निकलना था रात में, बट यार नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा निकल लिया जाए, तो 9:30 बजे ही निकल लिए। मतलब एक इतना एक्साइटमेंट रहता है ना भाई कि नींद नहीं आती, ये तो पक्की बात है। मैप के हिसाब से बात करें तो 1 दिन 2 घंटे दिखा रहा है, मतलब अभी 9:30 बजा है, तो हम लोग कल रात में 11:30 बजे यानी कि 26 घंटे बाद पहुंचेंगे पुणे। यार नॉन स्टॉप तो जाना है, बट स्टिल थोड़े बहुत खाने पीने के ब्रेक्स तो लेने ही पड़ेंगे, मतलब मैं रुकूंगा नहीं कहीं पे, नाइट हॉल्ट नहीं करेंगे अपन, लेकिन खाने पीने के ब्रेक तो यार लेने ही पड़ेंगे, तो वो लेने भर के लिए अपन रुकेंगे। तो आई बिलीव 30-32 घंटे में हमारा सफर पूरा हो जाएगा पुणे तक का, अगर सब कुछ सही साट गया। और मतलब वो बाप रहे 30-32 घंटे सुन के थ्रिलिंग हो जा रहा भाई, थ्रिलिंग। तो लोड में आने के बाद ना बाइक और बढ़िया चलने लगती है। तो दिल्ली से पुणे जाने के यार 3-4 रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है वो, मतलब दो जो रास्ते हैं, एक से अपन जाएंगे पुणे महाराष्ट्र, उसके बाद दूसरे से अपन वापस आएंगे। तो जिससे हम जा रहे हैं वो रास्ता यहाँ से जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उसके बाद आता है आपका चित्तौड़गढ़, वहाँ से फिर MP बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है नीमच, नीमच के बाद इंदौर के साइड होते हुए हम लोग फिर महाराष्ट्र में एंट्री लेंगे, और फिर महाराष्ट्र में हम लोग जो है पुणे पहुँचेंगे सीधा, एक दो सिटीज़ होते हुए। दूसरा जो रास्ता है वो अजमेर तक तो सेम है, उसके बाद उदयपुर से होते हुए वडोदरा, सूरत एंड देन मुंबई के साइड से पुणे ले जाता है, तो उससे वापस आएंगे अपन। और टोटल 4 स्टेट्स, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लगेंगी महाराष्ट्र पहुंचने में, उसके बाद जहाँ जाना है वो अलग है। आपको पता है अगली साल तक ना मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे बन जाएगा, फिर ये जो सफ़र है पूरा 26 घंटे की जगह 12-13 घंटे में हो जाया करेगा। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है यार मुंबई, मतलब जो एक्सप्रेस वे होते हैं ना उनमें इतना मज़ा नहीं आता यार, जो नॉर्मल रास्ता है उसमें बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ मैं। मैंने सोचा वो बने उससे पहले यार एक बार तो जाना बनता है। और सबसे ज़्यादा बाय गॉड एक्साइटमेंट जो है ना वो है कि नीचे जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं, पहाड़ तो इतनी बार जा चुके हैं ना कि बोर हो गए, एंड सोलो। देखो मन में थोड़ा डर भी है इस चीज़ का कि अकेले जा रहा, मैं कभी इतना दूर अकेले गया नहीं हूँ, 1500 1 go नॉन स्टॉप थोड़ा मेरे लिए मतलब नया है, बट स्टिल यार अगर करेंगे नहीं, डरेंगे तो घर पे ही बैठे रहेंगे यार, वो चीज़ है ना, तो निकलना तो बनता है। पहले 50 किलोमीटर जो है पूरे होने वाले हैं, 48 किलोमीटर्स, और बाइक ने अभी तक माइलेज 25.2 का दिया है, बहुत लोडेड है। एंड बिलीव यार मज़ा आ रहा है सीरियसली, बहुत दिनों से मैं फिराक में था कि एक बड़ी राइड लगाने को मिले, बढ़िया स्पीड मेंटेन हो जा रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, रात में ना ट्रक खुल जाते हैं, दिल्ली मुंबई रोड अभी यही है, दिल्ली जयपुर मुंबई बड़े बड़े शहर आते हैं इस रोड पे, पूरा ट्रक ही ट्रक चलता है, तो ये थोड़ा सा एक लफड़ा है।
थोड़ा सा ट्रैफिक अभी खुला है, मतलब भीड़ थोड़ी कम हो गई है। बहुत तेज विंड ब्लास्ट आ रहा है, मेरे को इसका ना एक्सटेंडर ले लेना चाहिए था, बट ना उससे व्यू ख़राब होता है इसलिए नहीं लिया था मैंने, बट अभी बहुत तेज विंड ब्लास्ट आ रहा है। आई थिंक मेरे को रुक के यार वो पहनना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को, तो अपने विंटर ग्लव्स पहन लेते हैं, क्योंकि बिना विंटर ग्लव्स के ना अब तो भाई बहुत ही बुरी हालत हुई जा रही है, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। इनफैक्ट मेरे को 93 किलोमीटर कवर कर लिए, मुझे लगा था 100 किलोमीटर चला लूँगा, बट चली नहीं यार बाइक मेरे से। भैया लोग बस ताक सीखते हुए, और भैया सब ठीक ठाक? कौन सी मशीन? ये कैमरा है, कैमरा ये कैमरा रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड आगे की रोड की। चलो थैंक यू। पुणे 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 कितने घंटे में पहुंच जाएगी पुणे? 24 घंटे। ओ भाई ठंड से तो पूरी निजात मिल गई यार एकदम से। पहले 100 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, और पहले 100 किलोमीटर कंप्लीट करने में अराउंड मेरे को 1 घंटा 15 मिनट लगा, उससे मेरे को एक बार रुकना भी पड़ा था थोड़ा सा ना एडजस्ट करने के लिए, ग्लव्स चेंज करने के लिए। तो सही जा रहे हैं, स्पीड तो सही है, इसी स्पीड से चलते रहे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। सोलो में यार ये मतलब थोड़ा अलग सा होता है सोलो राइड, मतलब बैठे बैठे आराम से चले जाओ, कोई बात करने वाला नहीं है आपके पास मैं और आप ही हैं बस आज तो। इस सफ़र में नींद कुछ ऐसा खो गई, इस सफ़र में नींद कुछ ऐसा खो गई, हम न सोए रात थक कर सो। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, मजो आओ। अराउंड 185 किलोमीटर बाइक चला ली है, अब यार पहला ब्रेक लेते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है अभी। इनफैक्ट तो क्या करेंगे कि चाय वाय पी लेते हैं, और मैंने आज डिनर भी नहीं किया था तो डिनर कर लेंगे, और उसके बाद जो है कपड़े बदल और पहन लेंगे। उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा ठंड है, काफ़ी ज़्यादा बट ठीक है, मज़े आ रहा है। अभी अपन ने एक सैंडविच और एक चाय ऑर्डर कर दी है, अभी क्या है अगर ज़्यादा खा लूँगा ना तो फिर बहुत तेज़ नींद आएगी, मतलब पूरा अगर डिनर कर लूँ तो बढ़िया नींद आएगी, तो उससे बेटर है कि हल्का सा सैंडविच खा लो फिर कुछ और खा लेंगे थोड़ी देर बाद, चलते रहेंगे चाय पी के अपनी नींद मिल जानी है। टाइम हो रखा है एग्जैक्ट 12:04। फाइनली अपनी चाय और अपने सैंडविच आ गए, सैंडविच ज़्यादा आ गए, मैंने 2 सोचे थे 4 आ गए, बट एनीवेज खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बाहर निकलते ही इतनी सर्दी लग रही ना क्या बताऊँ आपको, बाइक देखो आप अपनी क्या बढ़िया लग रही, बेहतरीन बिल्कुल, और अपना यूट्यूब का स्टीकर तो ज़बरदस्त था बिल्कुल एकदम से। ओहो काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर ली मैंने अब की बार, एनर्जाइज। अभी आपको मैप में दिख रहा है ये जो बाईपास होके जा रहा है येलो वाला, हम अभी ये ले लेंगे, अगर अंदर से जाएंगे तो जयपुर से निकल जाएंगे यहाँ से, बट हम बाईपास ले लेंगे, जयपुर में अपने को जाना नहीं है, जयपुर देखेगा मतलब ऊपर से ही निकलेंगे। सिटी के अंदर आते ही ना जयपुर सिटी की हवा एकदम से गर्म हो गई, और इतना अच्छा लग रहा है मैं आपको क्या बताऊं और बताओ भाई लोग आप लोग कैसा चल रहा है, मौज चल रही नहीं चल रही, पता नहीं आप लोग दिन के किस टाइम पर देख रहे हो, बट इस जर्नी के लिए तो बनता है ना, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ बेहतरीन। यार ये मेरा सपना था कि मैं बाइक से ना पूरा इंडिया घूमूं, और काइंड ऑफ पूरा हो रहा है धीरे धीरे, बिट्स एंड पीसेस में ही सही, बट पूरा कर रहे हैं यार, यही लाइफ है। मतलब वो दिन कभी नहीं आना जब आप सोचोगे कि मैं पूरी तरीके से फ्री होऊंगा, उसके बाद अब घूमना स्टार्ट करते हैं या जो भी आपकी पैशन और हॉबी है वो करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा तो कभी नहीं आना, काम के बीच में से ही समय निकालना भाई। भैया डाल दो यार पेट्रोल, अभी तो चलेगी 150-200 किलोमीटर, लेकिन यार रिस्क नहीं लेना है, मतलब दिख जाए तो डलवा लो, रेट क्यों करना है ना भैया। पेट्रोल के 2 रेट हैं या डीजल और पेट्रोल के रेट हैं? अरे बड़ा महंगा है पेट्रोल यहाँ पे, 108 रुपये, गुड़गांव से 11 रुपये महंगा है। इस स्ट्रेच में बहुत ज़्यादा मजा आया, जयपुर के बाद से रोड इतनी मक्खन है ना बिल्कुल ऐसी, मज़े आ गए। गुड़गांव से लेके जयपुर तक की पूरी रोड बिल्कुल घटिया है, और जयपुर के बाद से मैं अराउंड 70-75 किलोमीटर बाइक चला चुके हैं, इतनी बढ़िया रोड है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, मतलब 100 की स्पीड आप इतने प्यार से पकड़ सकते हो ना। राजस्थान की रोड्स तो भाई अच्छे हैं ये मानना पड़ेगा आपको, बाकी कुछ हो चाहे ना हो, वॉड है रोड यार, मज़ा आ गया, वॉड है रोड, मतलब ये ऐसी रोड है जिसमें आप ड्रीम करते हो कि आपको गाड़ी या बाइक चलाने का मौका मिले।
हल्की हल्की आवाज में मैं गाने सुन रहा हूँ और बाइक चला रहा हूँ, मतलब फुल फन। एनीवेज 330 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और टाइम हो गया है 2:30, रात का 2:30 बज रहा है। 1.5 किलोमीटर बाद हम लोग अजमेर बाईपास ले लेंगे, अगर सीधा जाएंगे तो अजमेर सिटी पहुंच जाएंगे, लेफ्ट ले लेंगे हम लोग तो अजमेर बाईपास चलते हुए निकल जाएंगे नीचे चित्तौड़गढ़ की तरफ। पहले भीलवाड़ा आएगा फिर चित्तौड़गढ़ आएगा। उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, NH 48, ग्रेट। जैसे जैसे शहर और कस्बे पीछे छूटते गए, अंधेरे की चादर ने हमें अच्छे से घेर लिया। उजाले के नाम पे सिर्फ हेडलाइट की रोशनी रह गई और आवाज के नाम पे थरथराते हुए इंजन की आवाज। भाई लाइट बिल्कुल सही चमक रही है यार, कुछ भी कहो, मस्त सी, बेहतरीन। और इतने फ्लाईओवर से यार, इस रोड पे इतने सही सही फ्लाईओवर से कि मजे से आ रहा है देख के। अभी अभी हमें 20 घंटे 16 मिनट लगने वाले हैं 1093 किलोमीटर। भाई लंबा जा रहा है अभी तक। कोई सही साठ होटल मिल जाए तो मैं रुक के थोड़ी देर रेस्ट मार लूँ यार, मेरी कमर दर्द हो रही है। अभी 4 बजने वाला है सुबह का, मतलब 3:40 हुआ है। तो ये जो जगह है, इस जगह का नाम है बांधनवाड़ा, ये जयपुर और भीलवाड़ा के बीच में है और यहाँ मस्त के घाट पड़े हैं, देख रहे हो। मैं इससे थोड़ा रेस्ट मार लेता हूँ, बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। टाइम हो गया एग्जैक्ट 3:47। वो खड़ी अपनी बाइक दिख रही है, मस्त बढ़िया सही ढाबा है, खाट पाट लगे हैं, किसी को सोना हो तो। भैया से चाय मंगा ली, भैया आई थिंक चाय भी ले आए। कुछ खाने को है अंकल जी? बिस्किट है, कौन सा मिल जाएगा? पार्ले जी मिल जाएगा, पतंजलि का है। पतंजलि का दे दो एक पैकेट। क्या मस्त मजे आए, 415 किलोमीटर कवर कर लिया, मतलब इस स्ट्रेच मैंने अराउंड 230 किलोमीटर बाइक चलाई। हेलो, दो तुम खा लो, बाकी मैं खा लेता हूँ, ठीक है? लो देखा नहीं, खा लो, खा लो यार, ऐसा मत करो। नहीं, जब तक कैमरा लगा तब तक नहीं खा रहा है। फिर जैसे ही कैमरे से हटा लो तुरंत खा ले रहा है। अच्छा कैमरा सही है, आप है, शर्म आती है आपको? लगभग 50 मिनट का रेस्ट ले लिया बट नींद नहीं आई यार। ये बड़ी दिक्कत है। फिलहाल 4:50 हो गया है, अब तो सुबह ही होने वाली होगी थोड़ी देर में। सोलो का यार अपना एक फ़न तो होता है, मतलब सोलो में ये होता है कि आप ना अपने हिसाब से पूरा काम जितना वो करना हो करो। हालांकि ग्रुप राइड का भी मज़ा आता है यार, ग्रुप में घूमने में ज़्यादा मज़े आते हैं, बट सोलो इज़ ऑल्सो गुड। क्या खाली रास्ता है भाई, इतना खाली टोल मैंने आज तक नहीं देखा, एक ट्रक खड़ा है बस, सारी लेंस खाली है बिल्कुल, पूरा हाईवे भी खाली है। मस्त यार, मजे आ रहे हैं बाइक चलाने में, इतना खाली हाईवे, मेरे को नींद आने लग गई यार। अभी वहाँ से बाइक चलाते चलाते 70 किलोमीटर से हुए फिर से ही नींद लग गई, वहाँ सो नहीं पाया था ना, और कल शाम में मैं सिर्फ 1.5 घंटे ही सोया था। नींद का घातक हमला, अपन पियेंगे चाय। ओ भाई 6 बजने वाला है एंड 518 किलोमीटर फुल ऑन कवर हो गए। चाय और रस खा गए, चाय और रस खाते हैं। गोबरू मैंने चार्जिंग भी लगा दिया, क्या बढ़िया सुंदर सुंदर दुकानें हैं राजस्थान में ना, लाइटिंग बहुत अच्छी करते हैं दुकानों में, ये चीज़ मैंने देखी सारी दुकानों में। भैया मस्त सुबह सुबह चाय देख रहे हो, भर भर के बना रहे हैं। ओ भाई हालत ख़राब, कुछ ऐसे लग रहे हैं अभी, बाल पूरे सड़से हैं। वैसे तो खुशी के मारे नींद आ नहीं रही थी, लेकिन जब खाट पे लेटा ना तो थकान ने अपना काम कर दिया, 10 मिनट के लिए सही बट ऐसी नींद आई कि सुकून मिल गया, और निकलते हुए ट्रकों की आवाज़ ने ना नींद को और मीठा बना दिया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह के बज गए हैं 7:53। क्या मस्त सोया मैं अंदर, वहाँ पे 1 घंटे पूरा बढ़िया से सो गया, अच्छा है, नींद वो हो गई। बाइक बढ़िया साफ कर ली, अब यहाँ से निकलते हैं, चाय पी लें बस एक भैया के हाथ की। इतनी बढ़िया वो है रोड है कि एक भी बाइक गंदी ही नहीं हुई, देखो मैंने साफ नहीं करी कुछ खास बट साफ ही है ऑलरेडी, इतना बढ़िया सही है यार। 1 घंटे का पावर नैप जो मैंने लिया ना, इतना सही लग रहा है, अभी पूरे मजे आ जाएंगे। अब तक फुर्ती में यहाँ से निकलते हैं। सन आ रहा बेहतरीन सा बिल्कुल, धूप निकलते ही ठंड अचानक से बिल्कुल कम हो गई है। ये
यार दिन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, रात में ना उतनी स्पीड पकड़ते बनती नहीं क्योंकि दूर तक दिखता नहीं है। अभी तो क्या दिख रहा है दिन में, दूर दूर तक दिख रहा है। वैसे मैंने सोचा था कि वहाँ 1 से 1.5 घंटे रुकूंगा, बट पूरा पूरा 2 घंटा मैं वहाँ रुक गया। हालांकि सो मैं वहाँ 1 घंटा ही पाया, 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा, बट काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है अभी। बाकी और बताओ आप लोग क्या चल रहा, मौज आ रही कि नहीं आ रही? पूरी बहुत ही बढ़िया सनराइज हुआ यार, इतना सही वेदर है ना, जैसे मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, बिल्कुल परफेक्ट सुबह जिसको बोलते हैं वो हुई है। अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ पहुँचे नहीं, मतलब अभी हम लोग राजस्थान में ही हैं। चित्तौड़गढ़ के बाद मध्य प्रदेश बॉर्डर लगता है, और अभी भी जो है पुणे अराउंड 940 किलोमीटर दूर है। पहुँचने में अभी जो टाइम लगने वाला है वो अराउंड 17.5 घंटे। बहुत दूर है भाई, बहुत दूर का चैलेंज लिया है भाई ने। कोटा 198, उदयपुर 133, अहमदाबाद 138। इन तीनों में से एक भी शहर नहीं जाना हम लोग। अरे भैया कहाँ रिवर्स में कहाँ चले आ रहे हो, ये बड़ी दिक्कत है। हाईवे में पहले थोड़ा आगे निकल जाएंगे, फिर थोड़ा रिवर्स गियर लगा के थोड़ा सा पीछे आएंगे। और अब जो बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है ना, सही बता रहा हूँ आप लोगों को, अनबिलीवेबल। नया रास्ता जिस पर मैं पहले कभी नहीं आया, और बहुत ही अच्छा मौसम, मतलब 100 की स्पीड तो इतना इजीली मेंटेन हो जा रही है इस हाईवे पे। क्या रोड है भाई, मज़ा आ गया सही में। मतलब कितना, जयपुर से हम लोग 300 किलोमीटर तो आ ही गए होंगे आगे आराम से। बेहतरीन रोड है। अब यहाँ से अपने को लेना है टर्न। अब अगर सीधा चले जाएंगे तो हम लोग उदयपुर चले जाएंगे, बट अभी इस रास्ते से नहीं जाएंगे, इससे वापस आएंगे। अभी हम लोग लेफ्ट ले लेंगे जो रास्ता जाता है चित्तौड़गढ़ की तरफ, कोटा की तरफ भी, हालांकि हम कोटा नहीं जाएंगे। लो जी भाई लेफ्ट ले लिया, बाय बाय उदयपुर का रास्ता। भैया उल्टा क्यों आ रहे हो, तो गलत बात है जी, गलत बात है। अब ये रोड पता नहीं आगे कैसी है, ये तो आई थिंक कोई कनेक्टिंग रोड दिख रही है, सर्विस रोड टाइप की। नाउ इट्स NH27। चित्तौड़गढ़ इज़ ओनली 8 किलोमीटर्स। अरे वाह, चित्तौड़गढ़ पहुँच भी गए, कोटा इज़ 179। अभी हम आ गए NH56 में, ये हमें नीमच ले जाएगा MP। बस थोड़ी देर में मध्य प्रदेश आने वाला है, क्या बात है, क्या बात है, हिंदुस्तान का दिल। तो अपनी 2 स्टेट कवर हो चुकी हैं, और टोल आ गया। भाई गॉड इतने टोल हैं, पहले तो मैंने सोचा था काउंट करके आपको बताऊंगा, बट थोड़ी देर बाद मैं खुद ही नंबर भूल गया, इतने ज़्यादा टोल्स हैं। ये देखो जो विंड टर्बाइन होती है ना, उसका एक ब्लेड जा रहा है, और आप पंखा जो होता है ना जो घूमती है, और आप देखो कितनी बड़ी है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। इतना बड़ा होता है ये विंड टर्बाइन का एक ब्लेड, मैं तो दंग रह गया। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो अभी चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये देखो इतना बड़ा है, अभी भी चले जा रहा है, ये देखो ये यहाँ पे खत्म हुआ क्या। हाय साहब इतना लंबा होता है ये, मेरे को अंदाजा नहीं था, एक ब्लेड। और जब लग जाता है दूर से देखो तो कितना छोटा सा लगता है देखने में। MP तो हम बहुत पहले घुस चुके हैं, लेकिन MP का ना यार वो जो स्वागत वाला बोर्ड होता है ना, वो कहीं दिखाई नहीं दिया कि MP में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम हो गया मैं घुसे, मतलब बॉर्डर कर एंटर कर चुके हैं हम लोग MP का, ठीक है। कई बार नहीं लगा होता, मेरे को लगा वो बोर्ड आएगा आपको दिखाऊंगा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है, बट वो बोर्ड आया ही नहीं। एनीवेज काफ़ी रफ्तार में चले जा रहे हैं हम लोग, 650 किलोमीटर के आसपास हमने कवर कर लिया है। देख रहा हूँ कितनी सही विंड मिल लग रही है देखने में, अरे वाह यार। बहुत सारी लगी है।
अभी क्या है, अभी अपन ने 720 किलोमीटर बाइक चला ली है, तो रतलाम आने वाला है 50 किलोमीटर आगे, 11:22 हो रहा है, तो हमने सोचा रतलाम में चल के ही अपना लंच कम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और बढ़िया खींचा यार, वहाँ जहाँ सोया था मैं वहाँ पे 514 किलोमीटर पे मैंने बाइक मतलब रोकी थी, और अभी 720 किलोमीटर हो गए हैं, तो 200 किलोमीटर कंटिन्यूसली चलाएं। बस एक छोटा ब्रेक लिया था ड्रोन उड़ाने के लिए, आई होप फुटेज आपको अच्छा लगा होगा। और मस्त से यहाँ पे यार वो है यार, सही लग रहे हैं देखने में। तो भाई मज़े पूरे आ रहे हैं, टिल नाउ जर्नी जस्ट वाव फुल फन। देखो ट्रैक्टर वाले कहीं भी मोड़ देते हैं यहाँ पे, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखो बाइक में 12 वोल्ट वाले सॉकेट का कितना फायदा है, एक से मैं अपना मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ, और एक से ये देखो तार दिख रहा है आपको, इससे मैंने अपना सेना लगा दिया चार्जिंग में, वो डिस्चार्ज हो गया अपना, दोनों चीज़ें पैरेलली चार्ज हो रही है। मोबाइल की तो मेरे को टेंशन ही नहीं लेनी, फुल चार्ज पे ही चल रहा है। कल से जब से मैं घर से निकला हूँ ना, मैंने सिर्फ एक सैंडविच, 4-5 चाय और एक छोटा बिस्किट का पैकेट खाया है बस। कल रात 9:50 से आज दोपहर का 12:15 हो गया है, और अब मेरे को खाना चाहिए यार। सुबह से तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, बस चाय पी थी और वहाँ से निकल लिया था। हालांकि नहीं खाने का एक फ़ायदा है कि मैं थोड़ा लाइट फील कर रहा हूँ, लेकिन यार ज़्यादा देर नहीं खाने से ना फिर एनर्जी भी कम हो जाती है, डिहाइड्रेट सा फील करने लगते हो आप। अब यार रतलाम पता नहीं यार कहाँ चला गया, मेरे को लग रहा रतलाम छूट गया पीछे, मतलब आया ही नहीं, हम साइड वाइड से निकल गए कहीं से, रोक में रहा नहीं वो, मैं अगर चलते रहो कोई खाने का दिख जाएगा सही साठ तो वहीं रुकेंगे। 800 किलोमीटर अपने पूरे होने वाले हैं, और 800 किलोमीटर पूरे होने में हमको टाइम लगा, 9:50 पे चले थे, 14.5 घंटे, 14.5 आवर्स में हमने एग्जैक्टली 800 किलोमीटर पूरे कर दिए, और उसमें भी मैं डेढ़ घंटे सो गया था, डेढ़ दो घंटे। लिबार्ड इज 79, इंदौर 120। अभी हमें रतलाम के आसपास, रतलाम और इंदौर के बीच में गई, और यहाँ बहुत गर्मी है भाई। अपने सारे लाइनर मैंने अभी उतारे, ये पैंट का लाइनर और ये मेरी जैकेट जो है यूनिक्लो वाली वो उतारी, अब जाके थोड़ा सुकून मिला। और मतलब एकदम से जैसे रुक जाओ ना इतनी तेज गर्मी लग रही है। ये श्री देव नारायण कबीराज फैमिली कुछ ढाबा मिल गया, मैं सोचा यही खा लेते हैं, क्योंकि गोप्रो बंद हो गया था यार, तो गोप्रो बंद होती है तो मैं कब खाना पड़ेगा। एक चीज़ तो समझ आ गई, अगर कुछ करना है ना लाइफ में तो आज ही कर लो, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आना जब पैसे पूरे होंगे या टाइम पूरा होगा। और पैसों का क्या है, आज हैं कल नहीं है परसों फिर हैं, और वैसे भी किसी ने खूब कहा है कम पैसों में खुश रहना थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन ज़्यादा में इम्पॉसिबल। वंस अगेन वी आर बैक ऑन रोड, और जैसे ही मैंने खाना खाया भाई ऐसी नींद आई ना, मैं इससे पहले नींद आया और मैं नींद की आगोश में समा जाऊँ पूरी तरीके से, निकल लेते हैं फुर्ती में। मैंने तुरंत बाइक स्टार्ट करी, निकल लिया, मैंने कहा रुकना नहीं, अगर आलस आ गया लेट गया तो फिर नींद आ जाएगी, मैंने कहा थोड़ा और चलाते हैं उसके बाद शाम में थोड़ा बहुत रेस्ट मारेंगे। 804 किलोमीटर, ये मेरी लाइफ का एक दिन में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। एयर सीट ना होती तो बैठना मुश्किल है भाई, कमाल की चीज़ है एयर सीट, जिसको मतलब जिसके बम्प जल्दी हर्ट होने लगते हैं ना भाई, वो एयर सीट ले लो कितना भी चला लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पूरा शरीर थक जाएगा लेकिन पिछवाड़ा नहीं थकेगा, गारंटी है। भाई गजब खाली रोड है ये तो, वो नींद आ रही, एक बार थोड़ा सा थ्रॉटल खोल दो ऐसा एक्साइटमेंट आ जाता है ना, ओहो पूरी नींद नींद जब एक तरफ चली जाती है। पेट्रोल तो भराना है बट अभी रोकने का मन नहीं हो रहा, बाय बाय आगे भरा देंगे। और ये हुए 900 किलोमीटर कम्प्लीट। जब मैं राइड स्टार्ट कर रहा था ना उससे पहले मैं बहुत दिन सोचता रहा मतलब कि यार मेरे को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो विदाउट नाइट स्टे बीच में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मतलब मैं ये थक गए ऐसा ना हो मैं आपसे बोल दूँ ब्लॉग के स्टार्ट में, राइड के स्टार्ट में कि मैं ना पूरा नॉन स्टॉप जाऊँगा और फिर नहीं पहुँच पाया, तो फिर मैं कहा यार आप भी तो अपने ही लोग हो, नहीं पहुँच पाया तो बोल देंगे यार नहीं पहुँच पाए, बट भाई ऐसा है नहीं,
जब 900 किलोमीटर हो गया है तो 600 किलोमीटर और करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार ब्लॉग्स तो थोड़ा सा लेट आते हैं, बट जो इंस्टाग्राम है वो मैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट करता हूँ, लाइव अपडेट। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे मेरी आईडी है, फॉलो कर लो यार। कोई भी राइड है, किसी को मीटअप वीटअप करना है तो मिल सकते हैं, क्योंकि इंस्टा पे मैं जनरली राइड के साथ साथ पोस्ट डालता रहता हूँ, ब्लॉग तो थोड़ा रुक के आता है। कर लो और साथ साथ अपना सपोर्ट भी हो जाएगा। और भाई अगर वीडियो ये पसंद आ रहा हो यार तो ज़रूर ज़रूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। अगर ये नॉन स्टॉप वाली सीरीज़ आपको अच्छी लगी जिसमें मैं इतना दूर नॉन स्टॉप आया हूँ, तो और भी नई नई डेस्टिनेशन नॉन स्टॉप लगाएंगे, आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा और हमारा सपोर्ट भी हो जाएगा, खर्चा पानी निकल जाएगा हमारा। क्या पैच है यार, देख रहे हो आजू बाजू ऐसे चट्टाने और बीच में से रोड, एक नंबर भाई, मज़े से आ गए। वो तो घाट सेक्शन टाइप का स्टार्ट हो गया है यहाँ पे ना, घाट दिख रहे हैं, ये देख रहे हो आगे, ओए होए 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 होए, पक्की पहाड़ों वाली फील आ रही है। अरे बाप रे, यहाँ तो और महंगा। हेलो भाई, पुणे 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 पे फुल कर दो टंकी। ये एमपी है महाराष्ट्र है, एमपी है आई थिंक। ये जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, क्योंकि ये चेक पोस्ट है इंटीग्रेटेड, यहाँ चेकिंग वगैरह हो रही है। इधर से जाने वालों को महाराष्ट्र वाले चेक करते होंगे, उधर से आने वालों को एमपी वाले चेक करते होंगे। तो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है शायद ये। तो अब हम लोगों की महाराष्ट्र में एंट्री शायद हो चुकी है, मैप में देखें। कोई भी राइड हो यार, शाम मेरी इतनी अच्छी जाती है ना, क्या व्यू है देख रहे हो आप, मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको। Splendid view, splendid. और क्या रोड है, ये देख के ना मैं पूरे दिन की थकान भूल जाता, मतलब मैटर ही नहीं करता कि मैं कितना थक के आया हूँ यार। 1100 किलोमीटर बैक टू बैक चलाना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बहुत टफ है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है यार। मतलब एक जमाना था जब मेरे बस की बात नहीं थी, मतलब इतनी राइड लगाते हैं इसलिए ऐसा हो पाया है। मजे आ गए भाई, मतलब मजाक मैंने कभी सोचा नहीं था मैंने बाइक से महाराष्ट्र आऊँगा, देखो आ गए। भगवान कुछ अगर सोच के रखे हैं आपके लिए तो वो होता है। यार पिछला ब्रेक मैंने 5:15 लिया था, उसके बाद से 9 बजने वाला है, और हुआ ये कि पहले मैं सोचा थोड़ा और आगे जाके मैं ले लूँगा ब्रेक, फिर अचानक से यार वो वाला हाईवे ख़त्म हो गया और ये हाईवे आ गया ही, बड़ा सुनसान सा है और कोई खाने का मेरे को सही आउटलेट दिख भी नहीं रहा है। 4 घंटे से बाइक चलाए जा रहा हूँ। एनीवेज 1250 किलोमीटर जो है पूरे हो गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 9, यानी कि जब से मैं निकला हूँ घर से गुड़गांव से तब से 24 घंटा अभी हुआ नहीं है, 1 घंटे बाद 24 घंटे होगा। लगभग 1300 किलोमीटर मेरा 24 घंटे का रहा, कि 24 घंटे में मैंने 1300 किलोमीटर बाइक चलाई। ठीक है यार, दिन तो रोज ही निकलते हैं लेकिन आज का दिन खास है, मेरे लिए तो खास है क्योंकि आज वो किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगा। तो थोड़ा खुश होना तो बनता है, परेशानियां आई, दिक्कतें भी आईं, डर भी लगा, एक समय ऐसा भी लगा कि शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के प्यार और साथ ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और ये सफर हम कर गए। वो फाइनली अपन पहुंच गए पुणे। क्या गजब की राइड रही यार, मजे आ गए जिसको बोलते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये राइड लगाऊंगा और इतने जल्दी, मतलब अभी कितना बजा है, 12:50 पर मैं पहुंच जाऊंगा अपनी लोकेशन। 1460 किलोमीटर ऑलरेडी चला चुके हैं, 1460, अभी 12 किलोमीटर और चलना है, अराउंड 1475 किलोमीटर की टोटल राइड मैंने कंप्लीट कर दी 12:50 पे। 9:50 पे हम लोग मैं चला था, 27 घंटे में मैंने 1470 किलोमीटर पूरे कंप्लीट कर दिए। मैं सोचा नहीं था हो पाएंगे, बट हो गए भाई, किसी तरीके से रिदम बन गया।
शाम 5:15 से अभी कितना हो गया 12:30, मैंने सिर्फ एक ब्रेक लिया वो भी 10 मिनट का बस। तो फाइनली यार जो सोचा था कि कुछ करेंगे, जो चाहत थी दिल में वो पूरी हो गई कि अपने को ये नॉन स्टॉप करना था और अपने कर लिया। 27 घंटे में अपन पहुंच गए हैं गुड़गांव से पुणे। गूगल मैप दिखाता है 26 घंटे, बस उससे 1 घंटा ज़्यादा लगा मेरे को। ओ वाह यार ट्रैफिक लाइट बड़ी सही लगाई यार, यू लो लग रही देखने में। यार ये तो पहला दिन था राइड का जब हम पुणे पहुंचे, अब आगे और अभी घूमेंगे साइड बाय साइड महाराष्ट्र में पुणे के आसपास। तो आई होप आपको ये पहला व्लॉग जो है नॉन स्टॉप फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली गुड़गांव टू पुणे पसंद आया होगा, और काफ़ी मेहनत लगी यार व्लॉग को बनाने में। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, हमारी भी हेल्प हो जाएगी। मैं बोलता रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में महाराष्ट्र सीरीज़ की। टिल देन बाय बाय एंजॉय।